डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम समझ लेते हैं तो हमें दिक्कत नहीं रहेगी। हम इस तरह से आपको इसकी ट्रिक्स बताएंगे, सभी कंफ्यूजन आपके दूर। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, हम किसी थीटा एंगल पर किसी पार्टिकल को इनिशियल स्पीड देकर छोड़ते हैं तो इसका जो पाथ होता है ये पैराबोलिक पाथ होता है, ट्रेजेक्ट्री होता है। देखो ये इनिशियल स्पीड क्या ली हमने, यू ली इसी, जब थीटा से हम चेक करते हैं। यदि इस पॉइंट पर मैं बात करूं तो देखो इसका इधर जो कंपोनेंट है यू कोस थीटा और इधर जो कंपोनेंट हो गया यू साइन थीटा, ये आपने समझ लिया होगा अच्छे से। डेरिवेशन हमने पिछले लेक्चर में आप डिटेल से दिया हुआ है, उसमें सीखे। यह मेरा बताने का जो मकसद है कि आप इसको याद कैसे रखें। देखो ट्रेजेक्टरी में जो पार्टिकल जैसे मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे कोई पार्टिकल था तो आप ध्यान दो। देखो मैं पहले आपको यहां से देखने के लिए बोलता हूं, तो देखो जब यहां पार्टिकल है, देखो ये स्थिति, जब ये यहां गया तब देखो ये स्थिति, जब पार्टिकल यहां चला गया देखो यहां गया, फिर यहां गया देखो ये आया, फिर यहां आया पार्टिकल तो देखो इसका फोर्स ये हो रहा है, यहां पार्टिकल आया इसका फोर्स ये हो रहा है, यहां पार्टिकल आया इसका फोर्स, यानी लगातार देखो ये यू, इट मींस इधर जो हो रही है एक्स एक्सिस पर ये कौन सी यूनिफॉर्म मोशन, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट ले रहे हैं इस एक्सिस पर। देखो एक तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन ये कैसा है, जीरो है, और हम पार्टिकल की स्पेक्ट्रल मोशन देखो ये है, लेकिन हमने इसको डिवाइड किया है। देखो इसका जो फोर्स ले रहे हैं एक्स एक्सिस पर तो ये पार्टिकल तो देखो यूं जा रहा है, लेकिन इसके फोर्स की स्ट्रेट लाइन मोशन होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। इसी के साथ आप इधर देखो समझो कि जब पार्टिकल यहां था तो वाई एक्सिस पर पार्टिकल का फोर्स यहां था, फिर जब पार्टिकल यहां आया तो देखो वाई एक्सिस पर ये चला गया, देखो यू चल रहा है, फिर जब पार्टिकल यहां गया तो देखो इसका फोर्स ये यहां पहुंच गया, जब यहां गया तो ये पार्टिकल का फोर्स यहां चला गया। अब देखो यहां पे ये इसका मैक्सिमम हाइट का पॉइंट हो गया, इसके बाद देखो ये वापस नीचे आ रहा है, देखो वापस नीचे आ रहा है, यहां से वापस नीचे। तो अब आप अच्छे से समझ रहे होंगे, मैं और आपको इसको क्लियर एक डायग्राम से बता दूं। देखो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये वर्टिकल एक्सिस और ये पैराबोलिक पाथ, यहां से जो पार्टिकल चला है तो देखो हमने ये लिया, किसी भी पॉइंट पर हम बात करेंगे, जैसे हम इस पॉइंट पर बात करें तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे x और y दोनों में चेंज हो रहे हैं, तो इट मींस ये कैसा है, 2D मोशन है। अब देखो इसके जो कंपोनेंट्स हम ले रहे हैं, यहां पे पहुंचे ये हो गया, यहां जब पहुंचे देखो ये स्थिति। तो अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखो जब हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो देखो इसका मूवमेंट देखो लगातार, इसका जो मूवमेंट हो रहा है ये, इट मींस ये कैसी है, यूनिफॉर्म मोशन हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और इसकी बात करें तो देखो पहले ये जो पार्टिकल जा रहा है देखो यूं जा रहा है, यहां पहुंच गया, देखो जो पार्टिकल यहां था तो यहां पे यहां पे यहां पे यहां पहुंच गया, कहां पे, ये इसकी मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेता है। ठीक
बाद देखो जो पार्टिकल ये यहाँ के बाद यहाँ पहुंच रहा है, तो अब देखो पार्टिकल वापस आ रहा है, देखो फिर वापस आ रहा है यहाँ पे, फिर वापस आ रहा है। इट मींस ये मोशन देखो वापस ये रिटर्न पे, ये जो कौन सी वर्टिकल मोशन, यही तो हमने सीखा है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल। तो अब हमें जो इसके मेन इश्यू जो हमें सोल्व करने थे टाइम ऑफ फ्लाइट, हमें इसका क्या करना था टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट जो ये पार्टिकल कितनी टाइम तक एयर में रहा, कितने समय तक ये हवा में रहा, इसका उड़ान काल कितना समय लगा। तो देखो हम इसको इन सारे पॉइंटों को इस वर्टिकल मोशन से शो कर सकते हैं कि वर्टिकल मोशन में देखो ये टाइम ऑफ असेंट और ये टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये हमने पढ़ा था कि टोटल वर्टिकल मोशन में जो होता है टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ये दोनों इक्वल होते हैं, इक्वल टू 2t होता है और t इक्वल टू कितना आता है u बाई जी। वर्टिकल मोशन से हमने इसको कंपेयर किया कि देखो वर्टिकल मोशन में क्या रहा है इसका टाइम ऑफ असेंट 2u बाई जी, यहां भी यही है देखो ये टाइम ऑफ असेंट और ये टाइम ऑफ डिसेंट, हवा में रहने का जितना समय है ये देखो यहां से जब ये चला यहां पे गया तो यहां पहुंचा, जब ये यहां पहुंचा तो इसके साथ ही ये पहुंचा, तो जितना समय इसको यहां पे आने में लगा उतना ही समय इसको भी नीचे वापस आने में लगा। इट मींस इधर कौन सा कंपोनेंट है इस वाई एक्सिस पर, तो मैं देखो टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू अपॉन जी किस पे वर्टिकल मोशन के लिए यू वाई ले लूंगा, क्या ले लिया यू वाई ले लिया। आगे बात समझ कि हमें इसके अलग से नहीं पता, हमने सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ी है, तो हमने इसके वर्टिकल कंपोनेंट को पहुंचा पढ़ा, देखो यूं धीरे धीरे ये यहां तक जा रहा है जब ये यूं जा रहा है और जब ये नीचे यहां पर आया तो इसके ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम और नीचे पहुंचने का टाइम इक्वल है, जिसको टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं, ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय जो टोटल समय है उसको क्या बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और यहाँ ये फॉर्मूला हमने निकाल रखा है ये ऊपर जाने और नीचे आने में टोटल वर्टिकल मोशन में कितना होता है टू यू। और अब जब हमने ये देखा तो देखो यहाँ पे कंपोनेंट ये यू है तो इधर कौन सा कंपोनेंट आता है यू कॉस थीटा, वाई एक्सिस पर कौन सा आता है देखो यहाँ से हमारे पास ये इनिशियल स्पीड यू, ये थीटा, तो ये यू एक्स और ये क्या है यू वाई है, ठीक है। यू एक्स का मतलब इधर क्या आएगा यू कॉस थीटा और इधर क्या आएगा यू साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई, बस यही तो सॉल्व करना था हमें। तो यू वाई का मतलब कितना है यू साइन थीटा अपॉन जी। तो हमने प्रोजेक्टाइल नहीं पढ़ा, हमने समझा कि प्रोजेक्टाइल वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल का कॉम्बिनेशन है, इसलिए वर्टिकल मोशन में देखो ये जो टाइम लगा वही टाइम इसमें लगा, तो पूर्ण वही फॉर्मूला पुट करते हैं, हमने कंपोनेंट कौन सा ले लिया वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया। अब दूसरा जो फॉर्मूला है ये हमारे पास पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा फॉर्मूला जो लिया मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तो देखो मैक्सिमम हाइट यही तो है मैक्सिमम हाइट, यही तो इसका मैक्सिमम हाइट एच है, तो हम वर्टिकल मोशन में मैक्सिमम हाइट एच इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन क्या पढ़ते हैं टू जी, और यू स्क्वायर यहाँ पे वर्टिकल मोशन के लिए कौन सा कंपोनेंट लेंगे वाई, और वाई कंपोनेंट कौन सा है भाई यू साइन थीटा, इसका स्क्वायर करके मैंने लिख दिया। तो ये हमारे पास देखो मैक्सिमम हाइट आ गई। तो हमने देखो कितने मजे की बात है वर्टिकल मोशन ही हमने था ये तो हमें पता ही नहीं था, हमें तो सिर्फ जब y आएगा तो u sin थीटा लिखना है, x आएगा तो हमें क्या लिखना है u cos थीटा लिखना है, इतनी सी बात। तो वर्टिकल मोशन में जाने और आने का समय ये टोटल टाइम और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा दिया वर्टिकल का, तो इसलिए हमें। तीसरा जो पॉइंट लेंगे हम इसमें लेंगे रेंज,
रेंज मींस हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। जब पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ और ये स्टार्ट होके पूरा यहां पहुंचा फाइनली, ये जो है इसकी टोटल डिस्टेंस ही कहलाती है रेंज। रेंज का मतलब इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x एक्सिस लेनी है। तो हॉरिजॉन्टल x एक्सिस पे तो ये तो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में तो हम स्पीड इनटू टाइम ले सकते हैं। स्पीड किसमें, x एक्सिस पे, और टाइम यहां से यहां तक पहुंचा ये पार्टिकल, जब ये यहां पहुंचा तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से इनटू कर दें। देखो u ux कितना है, u cos थीटा, और t कितना है कि हमारे पास ये रहा देखो 2 u sin थीटा अपॉन g। तो ये हमारे पास r का फार्मूला आ गया कि देखो u और u u स्क्वायर लिख दिया, और 2 sin थीटा cos थीटा का क्या लिखते हैं, sin 2 थीटा अपॉन। ये हमारे पास हम सोल्व हो गया। तो हमने सिर्फ इसको मोशन को समझना है कि देखो एक तो इसमें यूनिफॉर्म मोशन चुकी हुई है और एक वर्टिकल मोशन चुकी हुई है। अब प्रोजेक्ट आ जाओ इसकी जरूरत पड़ेगी तो यूनिफॉर्म मोशन के फॉर्मूले लगाएंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम वर्टिकल मोशन के फॉर्मूले लगाएंगे, अंडर ग्रेविटी वाले फॉर्मूले लगाएंगे। सेम फॉर्मूले वही आगे की कल जो हमने ड्राइव किया था। अब मैं बात करता हूँ इसकी ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। देखो हमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं इनको समझते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यानी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको हमें प्रूव करना है। तो देखो पाथ के लिए हम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ले लेते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ले लेते हैं। अब इसको देखो हमें इस इक्वेशन में दोनों यानी इन x डायरेक्शन और इन y डायरेक्शन में बात करें, x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। y डायरेक्शन में ay इक्वल टू माइनस g, ईच पॉइंट पर देखो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, g लग रहा है, g लग रहा है, तो ये कांस्टेंट है नीचे की तरफ है, इसलिए हम इसको क्या लेते हैं, माइनस g लेते हैं। तो इधर हम x डायरेक्शन में बात करें तो देखो s इक्वल टू जब मैं x लूंगा तो ये लूंगा ux इनटू t, और ux का मतलब हमारे पास क्या है, u cos थीटा इनटू t, और t का फार्मूला हमें मिल गया x अपॉन u cos थीटा। ये इसी तरह से इधर बात करते हैं हम y की, तो देखो मैंने s y लिया इट मींस u y t माइनस हाफ, इसको देखो जो यहां पहले मैं ये लिख देता हूं, और ay पर क्या यूज कर लो, ये तो y तुमने यूज किया, ui का मतलब कितना है u sin थीटा, t लिख दिया, ay का मतलब माइनस g लिख दिया, और ये t स्क्वायर, और t का फार्मूला यहां पे पुट कर दो। देखो t का फार्मूला पुट करो u sin थीटा, t की जगह आप ये रख दो x upon u cos थीटा माइनस यहां पे t की फार्मूला पुट करो और इसका स्क्वायर भी कर दो upon u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आया ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गया, जो y equal to ax minus bx square type का इक्वेशन पहला वाली इक्वेशन हो गया। और इसको भी हम आगे में डिटेल से और समझ सकते हैं, हमें इसको आगे सॉल्व करना है, ये आपके समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट हम इस ट्रेजेक्ट्री में अपने पास यहाँ पे देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है भाई, यू से यू हटा दूं, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया tan थीटा, ये x है। तो देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, y इक्वल टू मैंने वहां से क्या लिया x sin थीटा अपॉन cos थीटा को क्या लिख दिया tan थीटा, समझ में आ गई बात, माइनस। अब देखो यहां जो अपने पास है ये बचा हुआ है माइनस g अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा इनटू x स्क्वायर, यही बचा हुआ है जी बाई टू यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, देखो यहां मैं आपको एक और चीज बताता हूं, y इक्वल टू x tan थीटा, y इक्वल टू x tan थीटा को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूं, यहां क्या बचा 1, और यहां पे तो tan थीटा है नहीं तो मुझे यू करना पड़ेगा, ये तो cos स्क्वायर थीटा और यहां tan थीटा लेना पड़ेगा मुझे, ये tan थीटा ले लिया इनटू क्या था x स्क्वायर। इसको मैं अब सॉल्व कर दूं, देखो x tan थीटा 1 माइनस g अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा
tan थीटा को मैंने ले लिया sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये ऊपर जो x स्क्वायर है ये एज इट इज, देखो a cos थीटा क्या हो गया कैंसिल हो गया, नहीं हो गया, ये हम थ्रू कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट सॉल्व होंगे इससे देखना, अभी हम समझ के कर रहे हैं, बाद में अपना इक्वेशन बन जाएगा। तो a cos थीटा देखो अब यहां पे क्या लिखूं मैं इसको, y equal to x tan theta 1 minus g upon u square sin 2 theta into x square, समझ में आ गई क्या बात, देखो 2 sin theta cos theta को क्या लिख दिया मैंने sin 2 theta, अरे क्या लिख दिया मैंने 2 sin theta cos theta, इसमें जो छुपा हुआ है इसको मैंने लिख दिया sin 2 theta, ये 2 sin theta into cos theta एक तो कैंसिल हो गया था इसका, ये लिख दिया मैंने, आई बात समझ में। और यहां पे देखो u square sin 2 theta upon g, u square sin 2 theta upon g, ये जो फॉर्मूला अपने को मिला ये फॉर्मूला किसका है भाई, और देखो मैं चीज और ये किसका हो गया अपने पास r का फॉर्मूला पढ़ा था ना तुमने, वो फॉर्मूला हमें यहां से मिल रहा है, देखो यहां से हमने ये लिया था, एक बार चेक कर लो इसको, u cos theta t की वैल्यू यहां g t स्क्वायर मिल गया है, और ये हो गया sin theta upon cos theta, यहां था half g x स्क्वायर का u स्क्वायर cos स्क्वायर theta, और हमने यहां पे देखो ये ले लिया tan theta common, और ये अपने पास आ गया इसका फॉर्मूला r का, तो हम r का फॉर्मूला यहां से रख सकते हैं, देखो r क्या था अपने पास, मैं आपको याद दिला दूं, r था हमारे पास ux into t, r का मतलब क्या था u cos theta, t का मतलब क्या था हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2 u sin theta upon g, तो इसी का तो फॉर्मूला था ये u square sin 2 theta upon g, तो देखो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1 upon r, तो y equal to x tan theta, और देखो 1 minus हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो क्या फॉर्मूला आ गया भाई, और यहां से देखो एक x मैंने बाहर ले लिया था, मुझे तो ये क्या था कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक x हमने x tan theta बाहर लिया, तो x tan theta z पे इस तरह रख गया भाई, एक x बचा हुआ अपने पास, और अब देखो क्या बचा अपने पास, इसको 1 upon r लिया तो x upon r, ये फॉर्मूला हमें चाहिए था, ये फॉर्मूला हमें चाहिए था, देखो यहां से x tan theta बाहर लिया तो ये अपने को यहां भी x tan theta एक x tan theta, तो अपने पास यहां कैंसिल हो गया, x tan theta कॉमन लिया, x स्क्वायर में क्या बचा हुआ अपने पास x, और ये इक्वेशन आ गया, तो हमें प्रेजेंट के का एक इक्वेशन ये भी ध्यान रखना है। अब देखो मैं कुछ और चीजें आपको इसकी खास चीजें हम डिस्कस करेंगे, देखो इसका यूज भी मैं बताता हूं कि हमें इसका बेनिफिट जो हो रहा है क्या हो, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, अ पार्टिकल मूव ऑन ए प्रोजेक्टाइल पाथ अराउंड ए ट्रायंगल, जिसके बेस पॉइंट ए और बी ट्रायंगल के और इसके सेम है, और ये हमारे पास क्या है अल्फा, और ये क्या है बीटा, और ये होगी इसकी हाइट में क्या सपोज कर लेता हूं वाई, और यहां से जो मैंने पार्टिकल रखा था इसका एंगल हमें क्या मिला, इस ये जो एंगल मिला पार्टिकल का ये क्या मिला थीटा, तो यहां पे एक बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको सॉल्व करके बता सकता हूं, क्या प्रूव दैट टेन अल्फा प्लस tan beta equal to tan theta, ये जो दोनों एंगल यानी यहाँ का प्रोजेक्शन एंगल और जब ये ग्राउंड पर आता है अल्फा और बीटा में किसके साथ थीटा के साथ जो रिलेशन है इस ट्रायंगल का ये प्रूव करना है, तो आप देखो हमें इस तरह से काम में ले सकते हैं कि हमें देखो ये रेक्टेंगल होना चाहिए, यहाँ देखो मैं tan अल्फा निकालता हूँ, tan अल्फा क्या हो गया भाई tan अल्फा इक्वल टू हमारे पास देखो ये यहाँ से टोटल ये क्या होते हैं रेंज, ये क्या होता है रेंज, मैं इस डिस्टेंस को x ले लूं, यहां इसको मैं x ले लूं r - x,
क्या रह जाएगी r माइनस x, क्लियर। tan अल्फा इक्वल टू लेमडा, देखो यहां पे y अपॉन क्या गया x, और यहां से मुझे y की वैल्यू मिली x tan अल्फा, यहां मिल गया y इक्वल टू x tan अल्फा। अब मैं देखो इधर से tan बीटा लेऊं, tan बीटा लेऊंगा तो देखो क्या आ गया y अपॉन r माइनस x, और यहां से जो इक्वेशन मिला मुझे y इक्वल टू क्या मिला r माइनस x tan बीटा, r माइनस x tan बीटा, ये दोनों हमें इसकी किसकी वैल्यू मिली y की वैल्यू मिली। अब देखो हमें जो क्वेश्चन मिला था tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई tan थीटा के इक्वल होना चाहिए, tan अल्फा प्लस tan बीटा। देखो मैं यहां से चेक करूं एक बार इसको, tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू y अपॉन x प्लस y अपॉन r माइनस x, क्लियर। और यहां से इक्वेशन जो मिला tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू मुझे देखो x इनटू r माइनस x, और यहां पे y इनटू यहां पे क्या लिए r माइनस x, और इधर देखो प्लस क्या आ गया x इनटू y, x इनटू y। तो देखो इसको अंदर ले रहा हूं मैं tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan बीटा इक्वल टू देखो ऊपर हमारा y r माइनस x y प्लस x y अपॉन हमें मिला x r माइनस x, और देखो ये x y से x y कैंसिल हो गया, और tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू हमें देखो क्या मिल रहा है y r अपॉन x r माइनस x, और जो अभी हमने एक इक्वेशन निकाला था y इक्वल टू x tan थीटा, x tan थीटा 1 माइनस जो प्रेजेंट थीटा इक्वेशन है, यहां से हम tan थीटा लेंगे कि tan थीटा हमारे पास आ रहा है y r अपॉन x r माइनस x। तो देखो प्रूव हो गया tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू क्या आ गया y, यानी इक्वल टू सॉरी tan थीटा। तो ये टेंस प्रूव हो गया, ये इक्वेशन हमारे इस तरह से कुछ क्वेश्चंस में हेल्प करेगा, हम क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखो इसको हमने प्रोजेक्टाइल को पढ़ा, अलग ढंग से पढ़ा, हम सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेके भी इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और देखते हैं हम चीजें, देखो जब भी हमें प्रोजेक्टाइल की जरूरत पड़ेगी तो हमें ये तीन इक्वेशंस के बेसिक इक्वेशन जो हमने वर्टिकल मोशन से लिए थे, ये तीनों इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। किसकी? टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था 2u sin थीटा अपॉन g, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। इन इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। अब देखो यहां हम कुछ खास पॉइंट हम लेते हैं, स्पेशल पॉइंट्स हम कुछ लेते हैं जिन पे हमें क्वेश्चन बने, जिन पे हमें क्वेश्चन लेने। देखो यहां से सेम स्पीड पर डिफरेंट एंगल पर, सेम स्पीड और डिफरेंट एंगल पर दो पार्टिकल्स प्रोजेक्ट, यहां देखो क्या चीज, दोनों की हाइट जो है इनको एक है, लेकिन दोनों की हाइट
लेता हूं उसको भी। तो हमें क्या गिवन है, when HA equal to HB, यानी दोनों का जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट जो है ये A का और ये B का, ये कैसा है भाई, सेम है। तो देखो यहां हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो हमारे पास वर्टिकल हाइट वाला फॉर्मूला है, ठीक है, और मैक्सिमम हाइट की बात करें तो ये भी वर्टिकल हाइट का फॉर्मूले से हमने इससे निकाला था। यानी बोथ आर डिपेंड्स ऑन यू आई, बोथ आर डिपेंड्स ऑन यू आई। इफ एच ए इक्वल टू एच बी, तो क्लियर हो गया कि यू आई ऑफ ए इक्वल टू यू आई इक्वल टू बी, तभी पॉसिबल हो सकता है। और ये क्लियर हो गया तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिल गया, इट मीन्स टी ए इक्वल टू क्या रहेगा, टी बी, टाइम ऑफ फ्लाइट भी दोनों का क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा एक बार। इसी तरह देखो मैं कोई दूसरा आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, यहां से किसी एंगल पर हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका, ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, यहां इनके एंगल्स देखो दोनों के कैसे हैं, अलग अलग हैं, इनके प्रोजेक्शन जो एंगल्स हैं वो कैसे हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहां एक चीज आप साइड कर रहे हैं, वो यहां पे जो रेंज है ये कैसी है, सेम है, रेंज जो है ये इनकी कैसी है, सेम है। तो देखो ये रेंज, सेम रेंज के लिए हमें क्या करना होगा कि सेम रेंज के लिए जो एंगल्स में रिलेशन है वो किस कब आएंगे, रेंज सेम कब होगी। तो देखो हमें रेंज का फॉर्मूला जो मिला था, ये क्या मिला था, रेंज का हमें फॉर्मूला मिला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये रेंज का फॉर्मूला हमें क्या मिला था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये मिला था। ये किसके लिए, हमें इसी थीटा एंगल के, मैं इसी को r 90 माइनस थीटा के लिए ले हूं, तो देखो क्या आ रहा है, u स्क्वायर साइन 2 और थीटा हमने लिया 90 माइनस थीटा अपॉन g। यहां देखो u स्क्वायर साइन 2 इंटू 180 माइनस 2 थीटा अपॉन g। तो यहां देखो साइन 180 माइनस 2 थीटा, साइन 180 माइनस 2 थीटा अगेन इज साइन 2 थीटा, अगेन इज साइन 2 थीटा अपॉन g। तो यहां पर देखो थीटा और 90 माइनस थीटा की रेंज जो रहेगी वो कैसे रहेगी, सेम रहेगी। हम सब समझ में आया, थीटा और 90 माइनस थीटा की जो रेंज है वो कैसे रहेगी, सेम रहेगी। इट मींस किस तरह से समझ सकते हैं, देखो हमें सेम रेंज की बात कर रहे हैं, थीटा इसका प्रोजेक्शन है वो कितना है, 90 माइनस थीटा, और इनकी रेंज कैसी है, सेम है। इट मींस यहां पे जो ये प्रोजेक्शन हुआ है सेम रेंज का, ये किसके लिए, जिससे हमने थीटा यहां पे लिया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए कैसा रहेगा, सेम रहेगा, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इसी तरह से हम वापस ये लिया, हमारे पास रेम कैसी आ रही है, सेम आ रही है, तो हमने 20 डिग्री लिया तो 70 डिग्री और 20 डिग्री का कैसा रहेगा, 90 माइनस 20 कैसा रहेगा, सेम रहेगा। यदि हमने 60 डिग्री लिया तो 60 और 30 की रेंज भी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, 60 और 30 की रेंज भी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो आप ध्यान रखना r थीटा और 90 माइनस थीटा वाले केस में रेंज कैसी होती है, इक्वल होती है। अच्छा एक और चीज से अपन ध्यान देंगे, यदि हमें क्वेश्चन आता है फॉर मैक्सिमम रेंज,
मैक्सिमम रेंज कि हम इसको पार्टिकल को किस एंगल पर फेंकें, किस एंगल पर फेंकें हम, ताकि इसकी रेंज कैसी हो, इक्वल हो। तो आप देखेंगे कि हम यहां से इनिशियली जब हम एंगल इंक्रीज करते हैं, आप इसको ट्राई करना, पाइप ले लेना पानी वाला, पानी जा रहा है और हम यहां से ग्राउंड में पकड़े हुए, देखो यहां ओरिजिनल से हमने थीटा एंगल पर, तो पानी यूं जाके यहां चल रहा है किसी पॉइंट पर, थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे थोड़ा और आगे बढ़ेगा, थोड़ा और इंक्रीज थोड़ा और, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आप करेंगे तो वापस क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। क्या कह रहे हैं कि देखो हमने यहां से किसी एंगल से प्रोजेक्ट किया, तो ये यहां से ये रेंज आ गई इसकी, कोई भी R1 रेंज आ गई, फिर इसका एंगल थोड़ा चेंज किया, चेंज करने से ये रेंज थोड़ी इंक्रीज होगी, आप कितनी आ रही है R2 आ रही है, फिर थोड़ा हमने एंगल और चेंज किया तो इसकी रेंज और इंक्रीज होगी, कितनी होगी R3 होगी, लेकिन अब हमने पर्टिकुलर पॉइंट की बात किस एंगल चेंज किया तो ये रेंज जो है डिक्रीज होने लगी, फिर हमने किया तो रेंज डिक्रीज होने लगी, और डिक्रीज होने लगी तो किसी पॉइंट पर वापस सेम रेंज भी प्राप्त होगी, तो वो भी हमें चेक हो गया कि थीटा और 90 माइनस थीटा वाले भी सेम, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रेंज कैसी रहेगी, मैक्सिमम। तो अपन मैक्सिमम रेंज कहाँ होगी वो हम कैसे, ये देखो रेंज r इक्वल टू हमारे पास है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये हमारे पास फॉर्मूला आया, और फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा शुड बी 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन 2 थीटा की क्या हो 1, इट मींस 2 थीटा शुड बी 90, तो साइन 90 क्या जाएगा 1 और थीटा इक्वल टू 40, तो ये हमारे पास यहां मिल गया 45 डिग्री पर रेंज कैसी रहेगी मैक्सिमम, और मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, तो यहां साइन 45 अपन रखेंगे तो साइन 90 का हमें मैक्सिमम रेंज होगी u स्क्वायर अपॉन g, कितनी होगी u स्क्वायर अपॉन g, ठीक है। और एक चीज और अपन ध्यान देंगे कि ये तो आ गया, लेकिन हम यहां बात करें एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, हम किसकी बात कर रहे हैं, थीटा इक्वल टू, सभी बहुत काम की चीजें हैं, आपके क्वेश्चंस को इजी बना देंगी, देखो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हमें h फाइंड करना है, तो h का फार्मूला लगाओ क्या था, 2 h का फार्मूला u स्क्वायर अपॉन 2g y वर्टिकल वाला, तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g लगाया हमने, देखो यहां पे h इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, हम क्या लेंगे 45 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा हमने कितना लिया 45 डिग्री, तो हमारे पास अपॉन 2g और साइन 45 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1/√2 स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर करेंगे कितना है 1/2, तो 1/2 करेंगे तो u स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 4g, तो इस केस में हमारे पास देखो हाइट जो है वो u स्क्वायर अपॉन 4g, मैंने कह रहा मैक्सिमम थीटा इक्वल टू 45 पर हाइट जो होगी वो कितनी होगी u स्क्वायर, और इन दोनों में रिलेशन क्या है, देखो यदि मैं इसको u स्क्वायर बाय g की बात करूं तो r मैक्सिमम कितना था u स्क्वायर बाय g, तो h इक्वल टू यहां पे मैं r मैक्सिमम अपॉन 4 और r मैक्सिमम इक्वल टू 4 * h लिख सकता हूं, नहीं तो मैक्सिमम जो रेंज रहेगी 45 डिग्री पर रहेगी और ये इसकी वर्टिकल हाइट के 4 टाइम्स रहेगी, ये इसके वर्टिकल हाइट की 4 टाइम्स रहेगी, ठीक है भाई। तो ये मैंने पर्टिकुलर किस केस के लिए थीटा इक्वल टू 45 के लिए चेक किया है, मैंने मैक्सिमम रेंज के लिए चेक किया थीटा इक्वल टू 45 पर रिलेशन अपना ये आ गया मैक्सिमम रेंज 4 टाइम। अभी मैं एक और चीज रेंज से रिलेटेड आपको बता देता हूं सोर्सिंग, देखो या R by H trick बनाओ इसको, R by H trick, देखो R by H trick क्या है, हमारे पास R equal to range का formula क्या है भाई, range का formula है u square sin 2 theta upon g और H का formula
एच का फॉर्मूला है हमारे पास, ये है 2u² sin² θ / 2g हमारे पास फॉर्मूला हो गया। और अब देखो मैं r by h निकालता हूं इनका, तो r by h देखो यहां से ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। sin 2 थीटा क्या होता है भाई, 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। ये 2 ऊपर चला गया, into 2 कर दूं अपॉन नीचे क्या बचा है sin स्क्वायर थीटा, एक sin थीटा इसके स्क्वायर को काट देंगे, r by h equal to 4 cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये लिख दूं 1 upon tan theta, और चाहे r upon h equal to 4 cos theta भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक ट्रिक तैयार होगी, और देखो कहीं पे हमें पूछे what will be value of theta for r equal to h, रेंज और हाइट किस एंगल पर इक्वल होगी, 4 cot theta = 1, और हमारे पास cot theta it means 1/4, या हम यूँ कह सकते हैं tan theta equal to 4, theta equal to tan inverse 4 भी कह सकते हैं, और ये वैल्यू के 76 डिग्री, तो 76 डिग्री पर रेंज और हाइट कैसे रहेगी सेम। तो ये टूल्स हो गए हमारे क्वेश्चंस सॉल्व करने के, आप इन टूल्स को सीख लेंगे तो क्वेश्चन इजी सॉल्व होते जाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी आप कोई भी बुक करें, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होते जाएंगे। अभी देखो मैं आपको एक दो बातें और इसकी बताता हूँ, एक क्वेश्चंस में जब ये वर्ड यूज किया जाए क्या, देखो एट मैक्सिमम हाइट ये बात कहता है, एट मैक्सिमम हाइट, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो मैक्सिमम हाइट की बात, यानी यहाँ पर ये जो बात है ये मैक्सिमम हाइट की है, यानी इधर मैं वर्टिकल से जोड़ूं तो अपने पास ये जो हाइट है ये यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ ग्राउंड लाइन है, ये मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ एक चीज देखो कि जब मैक्सिमम हाइट पर जाएंगे, मैक्सिमम हाइट यानी वाई कंपोनेंट जहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एच लेंगे पहली बात। दूसरा जब हम किसी भी टाइम टी पर बात करते हैं तो किसी टी टाइम पर जो स्पीड होती है वी, देखो इधर ये थीटा हो गया, ये वी एक्स हो गया और ये वी वाई हो गया, ठीक है। तो एट एनी टाइम टी, ये तो अपन ने पढ़ा ही कि जो वी रहेगा ये रहेगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और ये ध्यान रहे आपके एक्स एक्सिस पर हम बात करते हैं वी इक्वल टू यू प्लस ए टी से हम बात करते हैं तो ए एक्स इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, ए एक्स इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। और वी एक्स की हम बात करें, देखो ये तो कैसा हो गया अपने पास जीरो, यू प्लस ए टी की बात कर रहे हैं, गलती से लिख था मैंने वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हमारे पास देखो वी एक्स इक्वल टू क्या आ गया यू एक्स, यानी u cos थीटा, ये सभी जगह कांस्टेंट रहेगा, ये तो चेंज होता नहीं। vy की बात करूं मैं इसी इक्वेशन में v equal to u plus at से, यानी y कंपोनेंट की बात करूं तो y कंपोनेंट की बात करूंगा तो देखो इनिशियली ये जो u y है ये हमारे पास u sin थीटा और ay है gt, तो ये हमारे पास कितना आ गया u sin थीटा - यहाँ से देखो एक चीज क्या क्लियर होगी, यहाँ जब यू जा रहा है तो इधर तो जीरो, इट मींस मोशन कैसी है कांस्टेंट है। तो हम इस के किसी भी पॉइंट पर बात करें यू एक्स जो रहेगा यू कॉस थीटा जो रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको क्या करें यूनिफॉर्म मोशन करें। लेकिन इधर जो जा रहा है वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट में तो हर जगह जी लगा हुआ इन टर्म फॉर्म, देखो कितना स्पीड लेके चला था u sin थीटा लेके चला था अपवर्ड, और इसको नीचे की ओर कौन लग रहा है, नीचे की तरफ जी लग रहा है, तो ये
टी के टाइम के साथ स्पीड कितनी यू साइन थीटा माइनस जी टी, यानी पर सेकेंड जी के हिसाब से ये डिक्रीज होती जाएगी। तो हमें वाई एक्सिस पर जो फॉर्मूला मिल रहा है यू साइन थीटा माइनस जी टी, कि देखो जैसे जैसे जाएगा तो ये वाई कंपोनेंट डिक्रीज होता जाएगा, और यहाँ पर आपने देखो ये पूरी तरह हॉरिजॉन्टल हो गया, यानी यहाँ वी वाई इक्वल टू क्या हो गया भाई जी हो गया। देखो मैक्सिमम हाइट जब यहाँ जाएगा तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का मतलब यहाँ पे भी फाइनली वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया है जी हो गया। आगे बात समझ में, तो एक तो अपन इस फॉर्मूले में यदि अपन इस वैल्यू को रखना चाहें तो हम देखो वी एक्स इसको तो हम सीधा वी एक्स तो कॉन्स्टेंट रहेगा यू एक्स इसका जो रहेगा, लेकिन वी वाई जो है ये कितना आएगा हमारे पास यू साइन थीटा माइनस जी टी आएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी आएगा। और अब जो मैं बात कर रहा था इस पॉइंट पर आता हूँ एट मैक्सिमम हाइट, तो हमें मैक्सिमम हाइट पर ये काम कर लेना है। और ये नहीं समझ में आए देखो जाएगा पार्टिकल जाएगा जाएगा जब तक इसकी स्पीड जीरो नहीं हो जाएगी तब तक वापस तो नहीं ना लौटेगा, तो ये मैक्सिमम हाइट पर इसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाती है जीरो। तो y equal to h जहाँ पर लेंगे maximum height लेंगे h maximum height की बात करेंगे तो हम vy equal to क्या लेंगे भाई जीरो। clear ये point आप हमेशा ध्यान रखेंगे maximum height का, और maximum height पर से हमें क्या मिलेगा ux equal to u cos theta मिलेगा, ux equal to क्या मिलेगा u cos theta मिलेगा हमें कहाँ पर maximum height। यहाँ के लिए अपने को ये सारी चीजें चाहिए मैक्सिमम हाइट तक, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक की ही टाइम पूछेगा, तो देखो यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट तक तो t इक्वल टू हम क्या काम कर रहे भाई u अपॉन g, u कौन सा y कंपोनेंट, और y कंपोनेंट का मतलब u sin थीटा अपॉन g, यहाँ तक जाने में तभी तो टोटल टाइम हम क्या करते हैं टूटी करते हैं टाइम ऑफ जिसको क्या कहते हैं फ्लाइट कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम कहते हैं। और मैक्सिमम हाइट ये जो है अपने पास h जो है h की बात करेंगे तो मैक्सिमम हाइट देखो किस पे कर सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as को लगा देना किसके लिए वर्टिकल में रहेगी बार, तो vy कितना हो गया जीरो हो गया, uy कितना हो गया भाई u sin थीटा है स्क्वायर कर दो, और ay कितना g है और ये होगी h अपने पास ये डिस्प्लेसमेंट, तो देखो हमें जो मिला 2g h equal to u square sin square theta और h equal to u square sin square theta upon 2g, तो ये जो वापस ये फॉर्मूला हमें आ गया। ये चीजें हम ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चंस में हमें कभी दिक्कत नहीं होगी। देखो इसके अलावा कुछ चीजें आपको और बताता हूँ, देखो हमें कई बार क्वेश्चन देंगे, मैं क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ कि ये कोई टावर है जिसकी वर्टिकल हाइट कोई हमें गिवन है ऑलरेडी एच हाइट हमें, अब यहां से एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली स्पीड यू से फेंका जाता है तो पार्टिकल का स्ट्रेट जाएगा नहीं क्योंकि जी नीचे की तरफ काम करेगा, ये ऐसे ग्राउंड से टकराएगा इसके कारण क्योंकि जी सभी पॉइंट पर कैसा लग रहा है नीचे की ओर लग रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, तो आप देखो इस केस में जो हॉरिजॉन्टल दिया है किसी टाइम टी की मैं बात करूं तो टी टाइम पर देखो इसकी स्पीड ये टेंजेंशियल टेंजेंशियल भी होगी, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया थीटा यानी vx और ये इसका क्या हो गया v, तो हमें v जो मिला ये तो कितना मिल गया vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का फाइनल ये। अब देखो इस मोशन के लिए भी हम क्या करेंगे x और y फाइंड कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं x और y यानी इसका भी हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देखेंगे, जैसे वहां इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देख रहे थे किस तरह से सॉल्व किया था कि हम इसके इक्वेशन के लिए s equal to ut plus half at square displacement वाले इक्वेशन को हम काम में लेते हैं, तो यहां भी इसको काम में
कुछ भी नया नहीं है, यहाँ कुछ भी नया नहीं है। एक तो मैं आपको सुनता हूँ उसकी तरह देखो, देखो यहाँ पे पार्टी, यहाँ गया तो पार्टी लिया, यहाँ गया तो यहाँ पे, फिर यहाँ गया तो ये इधर किया गया, यहाँ गया तो पार्टी लगा आ गया, यहाँ पे आ गया। एक्चुअल में ये बॉडी एच आई से यहाँ पे आ गया, मौसम अंडर ग्रेविटी वाला केस हो गया। तो चाहे तो आप सारे क्वेश्चन इसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसकी बात करूं ट्रेजेक्ट्री की एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो देखो एक्स और ये वाई डायरेक्शन की मैं बात करता हूं। तो यहां पे जब मैं एक्स की बात करूंगा तो एक्स डायरेक्शन तो इसने स्पीड इनिशियली कर दिया था यू, और यू कैसा है कांस्टेंट, तो यहां भी ax इक्वल टू कैसा है जीरो है, ax इक्वल टू जीरो है। तो हम देखो x जो लेंगे स्पीड इनटू क्या ले सकते हैं टाइम ले सकते हैं, x को लेंगे हम स्पीड इनटू टाइम, यानी ये इसकी जो रेंज रहेगी ये यहाँ से ले सकते हैं। तो x इक्वल टू मैं r लूंगा ये u, और इसका t क्या हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ये जो टाइम है नीचे गिरने का टाइम है वही तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो नीचे गिरने का टाइम देखो मैं y की बात करूँ तो y में हमारे पास क्या मिला जी मिला, और इस इक्वेशन में देखो रखूँ यहाँ पे y इक्वल टू क्या करूँ यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू हमारे पास जो आया यू वाई टी। अब चाहे तो हम देखो इसको यहां से ये लिया है तो ये इसका y कंपोनेंट है और ये इसका क्या है x कंपोनेंट है। तो यहां पर इनिशियली मैं बात करूं तो देखो वर्टिकल UI तो कैसा है जीरो है, इनिशियल तो कोई है नहीं, ये तो कैसा हो गया जीरो, AY इक्वल टू कैसा हो गया माइनस जी, तो ये हमारे पास फॉर्मूला। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहलाएगा, ये इसका क्या है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये हमें यहां से क्या मिल गया इक्वेशन मिल गया। इसी को हम इसकी हाइट फाइंड करें तो ये हाइट ही तो y इक्वल टू हम h लेंगे तो ये हमारे पास हाफ g और टोटल टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट यही तो है इक्वल टू t तो है, तो ये हमारे पास h जो है डिस्प्लेसमेंट यहां पे कैसा है नेगेटिव, तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारे पास। तो यहां हम सारी चीजें h वो की वो हम देखो क्या मैं पूछ टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इसकी बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखो यहाँ से अपने पास जो भी रेंज है तो वही चीजें अपने पास यहाँ भी आ गई कि h जो हाइट हमें दी थी, देखो वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो क्या है अपने पास वी वाई है, और यहाँ पे हम ये ले s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो जब s इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ h, s इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं h, और y डायरेक्शन में u इक्वल टू हमें यू वाई ले रहे हैं, और a इक्वल टू हम क्या लिखेंगे ए वाई। तो हमारे पास देखो ये फिर से इक्वेशन तैयार हो जाएंगे, तो बार बार इन चीजों को हमें रिपीट करने से कोई याद नहीं निकलेगा। सेम हमें कि भाई h इक्वल टू हमने को इसको वर्टिकल से भी जोड़े तो अपने पास h इक्वल टू देखो ये क्या बचेगा हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ पे t इक्वल टू h है तो t इक्वल टू किसके बराबर 2h अपॉन g के इक्वल ही तो आएगा, तो यही तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखो क्या है अपने पास t इक्वल टू 2h अपॉन g, और इससे हम लेंगे तो देखो ये अपने पास कितना है ये तो h हो गया, ये हो गया g, और ये हो गया इसका t स्क्वायर, तो t इक्वल टू अपने पास क्या आएगा 2h अपॉन g, चाहे अपन ये डायरेक्ट ये ले सकते हैं ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। और चाहे हम इसको देखो रेंज से जोड़े तो रेंज हमारे पास क्या था u इनटू t, तो t का मान हम ये लिख सकते हैं t स्क्वायर का ये तो क्या है अंडर रूट है t स्क्वायर ये तो अंडर रूट 2h अपॉन g, इससे हम क्या निकाल सकते हैं रेंज निकाल सकते हैं, इससे हम क्या निकालेंगे रेंज निकालेंगे।
ठीक है, तो आपको मैंने दोनों केसेस बताए कि हम इसको कुछ क्वांटिटीज को तो हम सिर्फ इस वर्टिकल से देखो यहाँ तक ये वो कंप्लीट यूं था इससे फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक और मजेदार क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। क्या क्वेश्चन है देखो, यहाँ पे फ्लैट बने हुए और यहाँ पे पर्टिकुलर फ्लैट की एक विंडो है, यहाँ बात हो गई ठीक है, और इनकी हाइट हमें दी हुई है, टोटल हाइट ऑफ फ्लैट्स जो बिल्डिंग है इसकी हाइट है 55 मीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया, ये बड़ी बिल्डिंग है और यहाँ इसकी बेल्कोनी है, बाल्कोनी किसके टोटल हाइट का हमारे पास कितना है 55 मीटर। अब देखो यहाँ इसके पैरेलल एक और बिल्डिंग खड़ी है, इसके पैरेलल एक और बिल्डिंग खड़ी हुई है, इसमें भी यहाँ पे एक बालकोनी छुपी हुई है, ये एक फ्लैट है, ये इसकी बालकोनी है, ये दोनों पैरेलल बिल्डिंग्स। अब यहाँ पे जो हमें ये जो विंडो है इसकी हमें हाइट दी है 55 मीटर, इस विंडो की हाइट क्या दी है 55 मीटर। लॉकडाउन चल रहा है, सभी लोग अपने घरों में हैं, तो यहाँ बेटे ने एक तरीका निकाला कि हम क्यों ना गोल गोल खेलते हैं एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में, और ये बेटा यहाँ खड़ा है अपनी बालकोनी में और ये फेंकता है बॉल, ये जो बॉल को फेंकता है किसी स्पीड यू से, और ये चाहता है कि ये जो बॉल ठीक इस बालकोनी में चली जाए, जो कि इन बिल्डिंग्स के बीच की जो हमें डिस्टेंस दी गई है वो है 180 मीटर। तो पूछ रहे हैं कि इसकी से इसकी स्पीड क्या हो ताकि ठीक इस बालकोनी में यहाँ पे ये इसकी फ्रेंड खड़ी हुई है जो बॉल इसके साथ खेल रही है, ये और सीधा इसने गेंद को लपका है ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, इसको किस स्पीड से फेंका जाए ताकि गेंद इस विंडो से सीधा दूसरी विंडो पे चली जाए जिस विंडो की हाइट है ग्राउंड से 10 मीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया, दो बिल्डिंग से बराबर पैरेलल खड़ी हुई है, कितने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी आएगी 180 मीटर, और इस विंडो में यहाँ एक बॉक्स है, एक घर से बाहर जाके नहीं खेल सकते, लॉकडाउन कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हो गया, तो इन्होंने क्या तरीका निकाला, यहीं से बॉल फेंकता है, इस ठीक इसके पास पहुंचाना चाहता है अपने बॉल को, तो यहाँ जो पहुंचाना चाहता है अपने बॉल को, तो क्या पूछ रहे हैं इसको इसकी कितनी हॉरिजॉन्टल स्पीड यू क्या हो ताकि ठीक इसमें चली जाए। तो देखो ये अपने पास क्वेश्चन वही बन गया अपने केस, तो पहली बात तो देखो ये यहाँ पहुंचना है, ये डिस्टेंस हमें मिल गया हमारे, और ये जो हाइट है 55 माइनस कितना कर दो 10, तो ये कितना मिल गया हमें 10, तो यहाँ से जब ये जाएगी तो एच इक्वल टू देखो कितना हाफ जी टी स्क्वायर, तो ठीक जो लगेगा अभी हमने बताया टाइम ऑफ जो रहेगा ऐसे निकाल सकते हैं, टू एच कितना हमारे पास 45 और जी कितना है हमारे पास 10 और 100, तो ये कितना हो गया √9 यानी 3 सेकंड इसको लगेंगे यहाँ तक पहुँचने में, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला कितना है 3 सेकंड। तो इसकी स्पीड क्या हो ये हमसे पूछा है, हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या हो, तो देखो हॉरिजॉन्टल स्पीड जितने टाइम में ये यहाँ आएगी हॉरिजॉन्टली इतनी तो डिस्टेंस कवर होगी, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम x इक्वल कर ले सकते हैं स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि ये कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, u निकालना है तो x / 3 x हमें दी हुई 180 मीटर, तो मैं इसको गेंद को 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकना होगा ताकि ठीक दूसरी विंडो में पहुंच जाए। तो आप इसको एंजॉय करेंगे, आप खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके फॉर्मूले पे, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।